जी तो प्यारे बच्चों, अब इस अमाउंट को जिन लोगों ने निकाल लिया है, पहले मेरी उनसे दरखास्त है, वो बताएं कितनी निकाल ली आपने अमाउंट, आंसर क्या निकला, लिख के भेज दें। टू थ्री सिक्स टू फाइव, दो लोगों ने भेजा मुझे 23625। टू थ्री सिक्स टू फाइव दो लोगों ने लिख के भेजा, मैं इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूँ दो लोगों ने लिख के भेजा, तला और उजाफा ने। बाकी खवातीन जो है वो कैलकुलेटर में ऑन का बटन ढूंढ रही है क्या, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते हैं इंसान वैल्यू, तो जो निकाली है वो लिख के भेज दें शुक्रिया के साथ, हो सकता है आप सही हैं। यार एक भी जवाब नहीं भेज रहा कोई मुझे, गर्ल्स में से आवाज आ रही है आप लोगों को? किसी से भी कैलकुलेट नहीं हो रहा? ठीक है फिर मैं ही कर देता हूँ भाई, आप लोगों तो कुछ बोल ही नहीं रहे, खामोश होकर बैठे हैं, मैं बिल्कुल चुप। इसका मतलब है आपको ये समझ ही नहीं आया, तो आप कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे। ये आपको मैंने समझाया, इतनी देर लगाई, आप यहाँ पे बोल रहे हैं आ गया समझ आ गया समझ आ गया समझ, तो क्या समझ आया यार, यहाँ कम से कम कोशिश तो करें इंसान, पहले मुझे इस सवाल का जवाब दें, वरना मैं भी नहीं करूंगा कंप्यूट। ठीक है बैठे रहे फिर आप लोग, ये कितने परसेंट है, इसकी परसेंटेज दिखाएं मुझे यहाँ पे, ये अमाउंट कितने परसेंटेज है, कितने परसेंट है, लिख के भेजें सब लोग, हर बच्चा। अच्छा आपके ख्याल में ये अमाउंट 35% है शायद? अच्छा आप लोग पेट भर के जाहिले, मसला ये दरवाजा बंद करवा दो भाई प्लीज। ये रिजा का दिमाग चल रहा है या अलीहा का चल रहा है, दरवाजा बंद कर दो, आवाज आती है। मेरा ख्याल है आप लोगों की मैथ्स जो है ना बिल्कुल खत्म है, माजरत के साथ, और ये चीज जो है ना बीकॉम पार्ट वन में भी सिखाते रहते हैं और पार्ट टू में भी सिखाते रहते हैं, फर्स्ट ईयर में भी सिखाते रहते हैं, हो गई बहुत शुक्रिया, पार्ट वन में भी सिखाते हैं, फर्स्ट ईयर में भी सिखाते हैं, सेकंड ईयर में भी सिखाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये कौम सीखना ही नहीं चाहती, कभी चीजों को सीखती नहीं है, रट्टा लगाते हुए पढ़ते हैं ना बचपन से। सही कर रहा हूँ आवाज रुक, अब बताओ आवाज सही हो गई? ओके जी सर हो गई। बात यह है कि आपने मुझे इस अमाउंट की परसेंटेज कितनी बताई, अब लिखवाएं मुझे यहां, इधर लिखता हूं जाहिलीन के लिए खास तौर पे, ये अमाउंट कर्सर देख रहे हैं मेरा सब लोग, इसकी परसेंटेज कितनी लिखवाई आपने मुझे? 100% सब लोग लिख के भेजें, एक दो लोगों को नहीं समझा रहा मैं, ये पूरी क्लास लिख के भेजे। महासेब कहाँ है? अगर ये 100% है तो ये अमाउंट कितने परसेंट है, लिख के भेजें। एक मिनट रुकिएगा,
लाइबा ने सही भेजा, रिजा तुमने क्या टाइप किया, महाजेब ने सही भेजा, तलहा ने क्या टाइप किया, मुजाफा ने सही भेजा, अनुषा ने सही भेजा। बड़ी माजरत के साथ आप में से कुछ बेवकूफ लोग कह रहे हैं ये 35% है। सर सॉरी 135 है। नहीं तो अब किस बात का सॉरी, मैं इसको टाइपिंग मिस्टेक कहूं या फिर ये दिमागी मिस्टेक कहूं, ये 35% हो सकती है? आपने देखा नहीं ये अमाउंट 35% थी, ये मैंने लिया था, आप लोगों को नजर आ रहा है? आप कैलकुलेटर चलाएं तो सही, आप कैलकुलेटर हो गई नहीं आपके हाथ में तो आपको समझ में क्या आएगी मेरी बात? क्लास में तो कैलकुलेटर आप लोग लेके नहीं आते, तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ तो आप कैलकुलेटर लेकर आते हैं डर के मारे। अभी तो आपके पास घर पे कैलकुलेटर होगा ही नहीं, आप चला भी नहीं रहे होंगे, आपकी तवज्जा है या नहीं है क्या समझेंगे आप? भैया अकाउंटिंग नहीं है ये, मैथमेटिक्स है, आप अपनी मर्जी से नहीं समझ सकते, आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बात यह है कि ये अमाउंट 1,22,535% है। कैसे पता चला? 3,50,000 का आपने लिया था, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 100 आप करके देख लें तो ये जवाब आया था। ये अमाउंट 35% है भाई ये, और ये अमाउंट, अब ये अमाउंट किस तरह आई थी याद है आपको? इस अमाउंट को और इस अमाउंट को मैंने क्या किया था बताएं, लिख के बताएं मैंने इन दोनों को क्या किया था। जी जी शुक्रिया शुक्रिया, मैंने इन दोनों अमाउंट को प्लस किया था, ये बचकाना अंदाज से याद दिला रहा हूं आपको। इस अमाउंट को प्लस किया तो मेरा आंसर आया 472500। अब बताएं अगर ये अमाउंट कितनी थी, आपने बोला 100, ये अमाउंट कितने परसेंट है 35, तो अगर ये 100%, ये वाली अमाउंट 100%, ये वाली अमाउंट 35, ये 100 और 35 ऐड हुआ तो ये कितने परसेंट हुई? 135 हुई। और तो मैंने ये अमाउंट डायरेक्ट निकाली थी यहाँ पे, आपको याद है? ये बचकाना अंदाज था ना, पहले मैंने निकाला था ये, फिर मैंने इस अमाउंट को और इस अमाउंट को किया था प्लस, तो मेरे पास आया था ये, नजर आ रहा है? देखें प्लस हुए हैं ये दोनों सेल, ये वाला सेल और ये वाले सेल के बीच में क्या लगा हुआ है ये देखें, प्लस की साइन नजर आ रही है। एक्सेल भी सीख लें थोड़ी सी, कि इस सेल का एड्रेस है J22, ये रहा 22 और ये J, इस सेल का एड्रेस है M22, ये दोनों आपस में क्या कर रहा हूं मैं, देखें बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब है मैंने 100% और 35% दोनों अमाउंट को प्लस किया तो इसकी परसेंटेज कितनी बनी? बेवकूफ वाले हरकतें कर रहे हैं, उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। अच्छा तो भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर ये अमाउंट 100% है तो क्या सेलिंग प्राइस सिर्फ 35% होगी? बेवकूफ नहीं होगा इंसान बोलने वाला? किसी 100 रुपए की चीज को आप 35 रुपए में बेचोगे? नहीं भाई, आप उसको 35% अबव पे बेच रहे हो, अबव का मतलब होता है कॉस्ट के ऊपर रख के, तो ये होगी 135%। और इस बात का सबूत मैंने ये दिया, मैंने बताया, लेकिन लेक्चर सुनते ही नहीं है, मैथमेटिक्स सुनना ही नहीं चाहते। जब कोई अमाउंट ना पता हो, जुमले बताओ मेरे, अभी रिजा रिपीट करेगी देखना, वो वही बोलेगी जो मैं बोलता हूँ। रिजा बोलो, जब कोई अमाउंट पता हो ना तो क्या तरीका होता है हमारा, जब कोई अमाउंट पता ना हो तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं? कहाँ है रिजा, चली गई? अनम्यूट नहीं हो रहा तुम लोगों से, जवाब सही निकाला ना तुमने, अब बताओ यहाँ पे क्या बोलते हैं हम? रिजा और अलीहा से बोल रहा हूँ, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा अभी तक? सर क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर पकौड़ों में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या कम कैसे सर? वो पकौड़ा खा लेते हैं तो नमक कम तो नहीं हो सकता। रोजे की हालत में फिर क्या करें? फिर बर्दाश्त करें। वेरी गुड, तो मैं भी यही कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तमाम जहरी। अबे भाई मैं आपसे सवाल कर रहा था कि बेटे जब कोई अमाउंट पता ना हो, जब कोई अमाउंट पता ना हो तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? उसको निकालने के लिए उसकी परसेंटेज को कहाँ रखते हैं? ऊपर। और जिसकी मदद से निकालने उसकी परसेंटेज को कहाँ रखते हैं? नीचे। बस यही बोलना था, और क्या बोलना था? अच्छा सर मुझे समझ नहीं आया था, तुम्हें समझ ही नहीं आती मेरी बातें। चलो ये देखो, इस अमाउंट को की मदद से हमने निकाली थी ये अमाउंट 472500, तो कैसे निकाली थी? इसको मल्टीप्लाई किया था 135 से 135 से डायरेक्ट। सर आपकी आवाज कट रही है। ओके
बताओ आवाज आई सही? सही है सर। ओके जी सर सही है। ठीक है, तो ये देखो मैं ये बोल रहा था आप लोगों से, आपने रिजा की बात भी सुनी, वो भी उसी अंदाज से बोल रही है जैसे मैं बोल रहा हूँ, और मैं इस तरह पढ़ा चुका हूँ पहले भी आप सब लोगों को, जो न्यू स्टूडेंट है आप में से अगर कोई मेरा, तो भाई उसको भी उसके टीचर ने कोई ना कोई अंदाज तो सिखाया होगा ना। तो अंदाज ये है कि जो माल, अब देखो ये 1/22 मालूम किया था मैंने, इधर देखो ये कैसे मालूम किया था, 1/22 कैसे मालूम किया, कैलकुलेटर में क्या लिखा था, 350,000 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 100। 35 क्यों लिखा था, क्योंकि मैं मालूम कर, ये देखो मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 100, यानी मैं मालूम करना चाह रहा था सिर्फ अबव कॉस्ट, तो मैंने इस अमाउंट को मल्टीप्लाई किया 35 से और डिवाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि इसकी परसेंटेज क्या है आपने मुझे बताया कितनी है ये 100, तो डिवाइड किया 100 से, ये आया था। अच्छा अब मैं कहता हूँ फिर मैंने क्या किया, इस अमाउंट को इस अमाउंट को प्लस किया, ये तो हो गया बचकाना अंदाज, तो ये आ गया। अब मैं कहता हूँ यार छोड़ो ये कौन ये निकाले फजूल में, डायरेक्ट निकालो ये वाली अमाउंट, तो ये अमाउंट ये अगर 100 है इसमें 35 ऐड होके ये अमाउंट कितने परसेंट बनेगी 135, तो जो अमाउंट मुझे मालूम करनी है उसकी परसेंटेज बनी 135, और जिसकी मदद से मालूम करूंगा वो खुद कितनी है 100। तो देखो मैंने क्या किया 3,50,000, ये देखो चेक करो 3,50,000, ये J22 का मतलब है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे 135, क्यों मल्टीप्लाई बाय 135, क्योंकि मुझे 135 वाली अमाउंट मालूम करनी है, मुझे नहीं पता 135 की अमाउंट, और डिवाइडेड बाय इसकी परसेंटेज कितनी है, कितनी है 100, 100 से डिवाइड किया। पर आप डिसाइड कर लें आपको ये समझ आया या नहीं, पहले भी आप बोल रहे थे आपको समझ आ गया, जब आपको ये समझ में नहीं आएगा तो यहाँ आप नहीं समझ पाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो बताने को 1 मिनट में बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा। किसको समझ में नहीं आया पूछ ले भाई, बेफिक्र होकर दोबारा, ये वरना मेरा क्या है, मैं इसके बाद एक और सवाल है मैं उसमें पूछ लूंगा आपसे, भी पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा मुझे। चल मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब मुझे ना एक काम करें आप लोग, आपको आपको सपोर्ट बनवाने के लिए मैं लिखवाता हूँ, जो बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे करे, जो नहीं कर रहा बेशक वो सुनता रहे सीखे, 10 बार सीखने के बाद हो सकता है 11वीं बार उसे समझ आ जाए, और जो 1 बार में समझ गया ये सारी बातें वो मुझे बताए आपने इसको कौन सी प्राइस नाम दिया, सेलिंग प्राइस, तो अब मुझे इसकी परसेंटेज लिखवाएं, ये खुद कितने परसेंटेज जल्दी बोलें। मुजफ्फर ने फिर 35 लिख दिया इतना इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद, अफसोस की बात है। मुजफ्फर भाई ने फिर 35 लिख के भेज दिया मुझे, बाकी लोग लिख के भेजेंगे या नहीं? ठीक है तो मैंने अपना रिजा अनम्यूट करो वापस, 135 ये 135% है। Yes, sir. सर कैसे पता चला ये 135 है? ये देखो क्योंकि हमने कहा था सेलिंग प्राइस 135% होगी, क्यों? क्योंकि 100% कॉस्ट थी, 35 इसमें ऐड किया था तो 135, तो क्योंकि कस्टमर ने वापस किया तो कस्टमर ने हमें प्राइस बताई होगी सेलिंग, तो ये 135% है। अच्छा तो हमें कौन सी प्राइस नहीं पता रिजा, अब तुम बोलते रहो साथ साथ, हमें कौन सी प्राइस नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज पहले पता होनी चाहिए, बोलो कितनी है सर? वो 100% होगी, 100% होगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गलत बोलोगी तो जूते नहीं पड़ेंगे, बोलती रहो बस। ओके सर। अगर ये 135 है तो कॉस्ट होगी 100%, यही है ना, यहाँ पे भी ऐसे ही था ना, कॉस्ट थी 100 135, अब हमें ये पता है 135, तो ये होगी 100। अच्छा तो अब मुझे ये अमाउंट निकालनी है, ये वाली अमाउंट ना, ये अमाउंट कॉस्ट प्राइस निकालनी है मुझे, तो तुमने क्या बोला था, जो मालूम करना उसकी परसेंटेज कहाँ लिखते हैं? ऊपर। और जिसकी मदद से मालूम करो उसे कहाँ लिखते हैं? नीचे। नीचे। तो अब मैं पहले बताओ मैं किसकी मदद से मालूम करूं, आज मुझे कौन सी अमाउंट पता है इन दोनों में से, इन दोनों परसेंटेजेस में से किसकी अमाउंट मुझे पता है? सेलिंग प्राइस हमें पता है। सेलिंग प्राइस हमें पता है, ये वाली अमाउंट, तो इसकी मदद से निकालूंगा ये वाली प्राइस, जिस बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा उसके लिए बोल रहा हूँ, जिस बेवकूफ को नहीं समझ आ रहा, मुझे ये पता था तो मैंने ये निकाला था। यस सर। ये पता था तो मैंने ये निकाला था, कैसे? ये रहा सबूत, ठीक है,
अब मुझे ये पता है तो मुझे ये निकालना है, अभी लिखवाएगी रिजा मुझे, तो मैंने इसका सहारा लिया, कैलकुलेटर में लिख के देख लें बाकी लोग मेरे साथ, मैंने लिखा 67,500 मल्टीप्लाई बाय, हाँ भाई रिजा क्या परसेंटेज आनी चाहिए? 135, क्योंकि हमें मालूम करना है ना। इडियट, मैंने बोला कोई और, कोई और रिजा और अलिया के अलावा कोई बताएगा अनम्यूट करके कि यहाँ क्यों मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ? जी सर, क्योंकि हमें कॉस्ट मालूम करनी है, इसकी कॉस्ट परसेंटेज ऊपर रखेंगे। हाँ, क्योंकि अभी अभी हमने क्या जुमला बोला था, रिजा और अलिया ने मेरे साथ मिलके क्या जुमला बोला था कि जो मालूम करना हो उसकी परसेंटेज हमेशा ऊपर रखते हैं। ऊपर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, सही है ना? डिवाइडेड बाय 135। तो डिवाइडेड बाय 135, सर ये कहाँ से आ गया डिवाइड बाय 135? सर क्या पागलपन लगा था आपने, पहले आप यहाँ पे ना मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 135 कर रहे थे, डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 135, सर उल्टा कर दिया आपने, ओए गलती हो गई। अबे बेवकूफ लोग, यहाँ मुझे पता थी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट थी 100, मैं निकाल रहा था सेलिंग, जो निकालना उसके परसेंटेज ऊपर, तो मल्टीप्लाई बाय 135 था, यहाँ मुझे सेलिंग प्राइस पता है जो कि खुद 135 है, और जो मुझे मालूम करनी है वो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट कितनी है 100, तो जो मालूम करना उससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 135। जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा कोई बात, इंजॉय करे, चिल करे, मैथमेटिक्स पढ़े, 6, 7, 8 क्लास की मैथ्स तमीज से पढ़े, स्कूल में भी पढ़ाई जाती है ट्रूमैन एजुकेशन सिस्टम में, वहां आके पढ़ ले, मेरे पास अलग से आ जाए, मैं छोटी क्लासेस की ट्यूशन भी शुरू कर रहा हूँ, COVID-19 की वजह से धंधा बड़ा खराब हो गया, तो अब मैं छोटी पढ़ाता हूँ। सर कौन कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं? मैं KG-1 से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ये सही है सर, बीकॉम पार्ट वन को KG-1 अलग से, सही है? ओके सर, चलो तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन पे इतनी देर नहीं लगा सकता, वो मैं बहुत तेजी से बोलूंगा, उसमें परसेंटेजेस में जिसने मेरा साथ दिया, जिसने मेरा अब बताओ आवाज आई, सही हो गई आवाज? यस सर, अब सही है। ओके, अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि अपना जनाबे आली, हाँ कल कुछ गेस्ट वगैरह का प्रोग्राम है, तो शायद मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि कल मेरी क्लास दोपहर में होगी या रात में होगी, तो मैं इंशाल्लाह कंफर्म कर दूंगा बहुत जल्द आप लोगों को, कोशिश करूंगा 4-5-6 घंटे पहले कंफर्म कर दूं, तो फिर आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि क्लास का इनेकाद करें। अगला सवाल मुझे जल्दी से बता दें, लिख के टाइम नहीं है हमारे पास। आज बता देंगे, कोई लिख रहा है 2016 रेगुलर प्राइवेट, ओके 16 प्राइवेट में कहाँ है, 16 रेगुलर है या प्राइवेट है? 16 रेगुलर है, क्वेश्चन 4B। अब जिसको समझ में नहीं आया वो खुद पूछेगा, ईमानदारी से मैं स्लो नहीं चल सकता इंतहाई माजरत के साथ, क्योंकि मैंने पहले सवाल में बहुत टाइम लगाया। पहली एंट्री 3 लाख रुपए से बनेगी, परपिचुअल सिस्टम में एंट्री बनानी है इत्तेफाक से, तो 3 लाख रुपए से पहली एंट्री बना देता हूँ, मूव और कॉपी, 2016 रेगुलर, ओके मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, जिसको जो समझ नहीं आया वो खुद ही चिरान कर ले, मर्चेंडाइज रिटर्न टू साइन 25,000 रुपये, मेड पेमेंट टू साइन विद इन डिस्काउंट पीरियड, 3 लाख में से 25,000 माइनस किया बचा 2,75,000, 2,75,000 का 2% लिया
5,500। शुक्रिया अनुषा। जिंदा है अनुषा को समझ आया? जी सर आ रहा है। वेरी गुड। नहीं आया तो बेफिक्र होकर पूछना है, किसी ने भी कोई भी बच्चा पूछ सकता है। अनुषा का नाम इसलिए लिया क्योंकि अनुषा जो है वो इस पॉइंट पे कंफ्यूज थी। उसे अगर समझ आ गया तो बाकी भी किसी को समझ आए, ना आए तो पूछे। चले अगला पॉइंट है सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 2,50,000। सोल्ड मर्चेंडाइज क्या लिखा है आगे? सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग सर, कॉस्ट प्राइस। जी जी नजर आ गया सबको क्या लिखा है? सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग। तो फिर दोबारा कौन सी प्राइस गिवन है? कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस के बारे में आगे क्या कह रहे हैं? तो इसमें कितने परसेंट अबव करना है? 40% अबव करना है। तो बचकाना तरीके से भी करके दिखाऊं या सिर्फ बड़ों वाले अंदाज से? दोनों से, बड़ों वाले अंदाज से दोनों हो जाए, दोनों कर देता ना। हो सकता है कोई दिमागी तौर पे अभी भी बच्चा हो सकता है बेचारा बड़ा ही ना हुआ पाया हो। मल्टीप्लाई बाय, आवाज आ रही है ना टिका के? यस सर बिल्कुल। 350,000 जवाब आ गया। अब डायरेक्ट बड़ों वाले अंदाज से दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, खुद ये 100 है इसमें कितने परसेंट ऐड किया? 40। तो कितना बन गया? 140 डिवाइड बाय, क्योंकि ये खुद कितनी आपने बोला 100, तो डिवाइड बाय 100 350,000। दोनों जवाब सेम है, ये 140% है। अब जिसको समझ नहीं आया वो पूछ ले भाई खुद। मैं बार बार एक जैसे सवाल पे टाइम नहीं वेस्ट कर सकता ना। ये एंट्री बन गई। अगले पॉइंट में कह रहा है गुलाम नबी ने वापस कर दी डिफेक्टिव गुड्स 56,000 की। गुलाम नबी को कौन सी कीमत पता है? गुलाम नबी चुपके से आता होगा और सामान की कीमत देख के चला जाता होगा कि ओहो ये सामान तो 56 का है, अच्छा ये ज्यादा में बेचा है इन्होंने मुझे। गुलाम नबी को पता है सेलिंग प्राइस 56,000। ये कितनी सेलिंग प्राइस कितने परसेंट है आज? सेलिंग प्राइस कितने परसेंट है आज? देखिए भाई 140%। वेरी गुड। और कॉस्ट प्राइस कितनी है? वही 100%। ठीक है। तो अब हमने कहा हमें 56 पता है और हमें ये नहीं पता, तो अब कैसे निकालें? चलो लिखवा दो, चलो देर ना हो जाए वरना लायबा की बारी लगा दी, तुम लोगों ने लायबा को बचा लिया। हाँ क्या करें? 56,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 140 ऐसी होगा ना सर? 40,000 आएगा सर। 40,000 आंसर है। शुक्रिया आपका। ऐसे ही होगा नहीं, ऐसे होना चाहिए। अपने जवाब पे ना कॉन्फिडेंट हुआ करने जरा प्लीज। ओके सर। हाँ वरना फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे पेपर में। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी आप लोगों को, अपने काम पे कॉन्फिडेंट रहा करें कि आप कर रहे हैं सही। 10 लोगों के जवाब आप लोग सुनते हैं फिर आप कंफ्यूज होते हैं, और पेपर में ये हुआ तो अच्छा खासा आता है, पेपर खराब हो जाता है बच्चों का। तो अपने काम पे कॉन्फिडेंट हो जाएं बस। इवन आपस में भी एक दूसरे से बहने डिस्कस ना करें कि भाई ये किया मैंने ऐसे किया, बोले अपना अपना काम कर लो फिर जब सर डिस्कस करेंगे उस वक्त बात करेंगे। वो चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती उसे लेफ्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। ओके ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट। 2012 प्राइवेट। बारह प्राइवेट मेरे पास तो हुआ हुआ नहीं है। 12 प्राइवेट मैंने करवाया था क्या स्क्रीन पे? 12 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको पास्ट इयर्स में करवाया है क्या स्क्रीन पे? नहीं। बारह प्राइवेट तो हुआ ही नहीं है मेरे पास। अच्छा चलो
अल्लाह मालिक है, आपसे पूछ पूछ के हम चलते हैं। अच्छा बड़ा प्राइवेट पर आ गए सब बच्चे 2012 प्राइवेट। अच्छा जब तक कि मैं आपको और काम या एक्स्ट्रा क्लास जब तक नहीं कंडक्ट कर लेता, तब तक आप लोग क्या करें, फाइव ईयर में जहां जहां एंट्रीज बनाने को कहा है वो तमाम सवाल अटेम्प्ट कर लें। समझ गए मैंने क्या कहा है? वो तमाम बच्चे जो होमवर्क पूछ रहे हैं या पूछना चाहते हैं, जिनके दिमाग में ख्याल आता है कि होमवर्क क्या है, होमवर्क यह है कि फाइव ईयर 2019 से लेके बैकवर्ड चलें और जहां जहां जिस जिस ईयर में एंट्रीज बनाने को कहा है पीरियोडिक परपेचुअल दोनों सिस्टम्स के तहत उन एंट्रीज को परफॉर्म कर लीजिए। चले आगे बढ़ता हूँ। इस सवाल में पहली पॉइंट में लिखा है बैलेंस इन मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 6000 यूनिट 7 रुपीस वाले, क्या इसकी एंट्री बननी चाहिए? यस और नो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, शाबाश। आवाज आ रही है? नो। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 42,000 और एक यूनिट 4 रुपए का है, तो भाई एक यूनिट 4 रुपए का हो या 50 रुपए का हो, हमें तो टोटल कीमत 42,000 बता दी ना, तो इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी? पीरियोडिक परपेचुअल दोनों से बनानी है, सिर्फ परपेचुअल से बनानी है? 42,000 से एंट्री बना दी और डेट डाल देना प्लीज इसकी, क्योंकि डेट गिवन है आप नवंबर की 2 तारीख। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद फिर 5 तारीख को दोबारा खरीदा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बना, ये आखिरी सवाल है ना मेरा ख्याल है, इसके बाद और तो कोई सवाल नहीं है ना? पांच तारीख मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट अकाउंट टू बिल क्रेडिट अमाउंट बता देगा कोई मुझे? 25,000, कुछ गलती कर रहा हूं तो बता देना भाई तुम लोग। अभी कॉस्ट तुमसे पूछूंगा, मेरे पास नहीं है कॉस्ट, याद रखना, मुझे नहीं पता कॉस्ट वगैरह क्या है। 7 तारीख को अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओगे मुझे, 7 तारीख के लिए तैयार है सब बच्चे? यार सामान बेचने आ जाते ना सामने। ओके ओके भाई, आप सही बोल लो बिल्कुल, जिसने भी बोला, नाजेब ने कहा कैश आएगा, मेरी मिस्टेक है, मैंने अकाउंट पे भी लिख दिया ये कैश, कॉपी पेस्ट किया था ना ऊपर से मैंने, छपाई का अंजाम यही होता है। अच्छा जी, सर नवंबर 2 में आएगा। अच्छा ओके ओके, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, यहाँ कैश कर, ओके मेरा। अच्छा अबे यार क्या हो गया, अब सही है भाई, कैश आ गया। चलो तो अब मुझे यहाँ पे एंट्री किस चीज की बनानी है? सेल की। ठीक है, तो सेल के वक्त कितनी एंट्री बनती है? आप सब बड़े चैंपियन है माशाल्लाह। सेल के वक्त एंट्री बनेंगी 2, चल कब तारीख क्या है इसकी? 7 तारीख है, जी हाँ 7 तारीख, और आप चाहें तो इसके आगे नवंबर 7 A नवंबर 7 B इस तरह भी कर सकते हैं, वरना 7 नवंबर ही रहने दें दोनों की डेट। अब यहाँ देखिएगा जुमला पढ़े, 7 तारीख को 8,200 यूनिट बेचे 10 रुपए का एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 82,000 बन रहा है सबके पास, सेलिंग प्राइस 82,000। ओके जी सर, और इस सामान की कॉस्ट तो आप अपने टेबल से देख के बता सकते हैं मुझे, बस 37,800। बाकी लोग अपने पास अगर काम किया हुआ है, ये सवाल किया हुआ है तो बता सकते हैं, वरना इसकी एंट्री बगैर टेबल के नहीं बन सकती। परपेचुअल सिस्टम की एंट्रीज बगैर टेबल के नहीं बन पाएंगी। आपने इस सवाल को अगर सॉल्व किया हुआ है तो आप उसमें जाके देखें, 7 तारीख को आपने टोटल 8,200 यूनिट बेचे, उन सारे यूनिट्स की कॉस्ट को अगर आप ऐड करेंगे तो 37,800 बन रहा है। कोई और एक्नॉलेज करेगा?
हाँ लाइबा जावेद भी यही कह रही है, इकरा मुनव्वर भी यही कह रही है, बाकी लोगों ने काम नहीं किया होगा, वो बेचारे नियत कर रहे होंगे अभी काम करने की। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इसके बाद एक दो एंट्री और बना लेता हूँ फिर क्लास ऑफ कर दूंगा। 7 तारीख के बाद 10 तारीख को दोबारा खरीदा, 10 तारीख को दोबारा खरीदने की एंट्री है। दस तारीख को कितने कितने रुपए का खरीद लिया? 10 तारीख को 7,000 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से 35,000 के। ओके, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट की एंट्री बन गई। इसके बाद फिर क्या आता है, 12 तारीख को दोबारा 12,100 यूनिट बेच दिए 10 रुपए के हिसाब से। कितनी एंट्री बनती है अभी अभी आपको बताया। चलिए जरा बनवा दीजिए, शाबाश। तारीख है 12, चलो प्यारे बच्चों इज इक्वल टू 12,100 यूनिट 10 रुपए वाले 1,21,000 पे एतराज किसी को? नहीं, लिख के भेज दिया जवाब लोगों ने मुझे माशाल्लाह। और कॉस्ट कितनी है इसकी? 55,400। यस सर। 55,400। हुज़ैफ़ा और तला ये समझ आ रहा है ये कहाँ से आया 55,400? काम तो नहीं किया होगा ना तुम लोगों ने 2012 प्राइवेट का क्वेश्चन? नहीं सर ये नहीं करा हुआ। हाँ जी नहीं सर ये नहीं करा हुआ, नहीं करा हुआ सर ये। बस तो जब ये काम नहीं हुआ तो ये अमाउंट समझ नहीं आएगी, और अमाउंट समझ नहीं आएगी तो एंट्री भी समझ नहीं आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मौदवाना, आप लोग ये काम कर लें। जब आप काम सर इंशाल्लाह कर लेंगे जाएगा ये कैसे आया है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, बस 12 तारीख की एंट्री भी बता दी मैंने, इसी तरह 15 है और 20 है। अब मैं 25 की एंट्री बता देता हूँ, बस बात खत्म करता हूँ। 25 तारीख की एंट्री बता के मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी भी इसी तरह से बन जाएंगे। 25 तारीख को कह रहा है पेड कैरेज आउट ऑन सेल्स 3,500। एंट्री बनेगी कैरेज एक्सपेंस, और अगर किसी को कैरेज एक्सपेंस से एलर्जी है तो वो लिख दे कैरेज आउट, कैरेज आउट, कैरेज एक्सपेंस लिख सकते हैं, कैरेज आउट लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आउट लिख सकते हैं, फ्रेट आउट लिख सकते हैं। सर ये क्या होता है, सामान बेचा तो कस्टमर को बोला आप घर पहुंचो हमारी गाड़ी पहुंचा देगी सामान, हम पहुंचा देंगे आपका सामान। हमने किसी सुजुकी वाले को हायर किया और उसे पैसे दिए और बोला ये ले भाई ये सामान वहां पहुंचा दे, तो हमारे पास से गया कैश 3,500। सर ये कहां लिखा है कैश गया? पेड माने अदा किया, तो हमने कैश अदा किया। क्यों? कैरेज आउट, हमने सामान बेचा और कस्टमर को बोला हम आपके घर पहुंचाएंगे, तो किराया हमने अदा किया, हमारा खर्चा हुआ और हमारे पास से कैश चला गया। कैरेज आउट एक्सपेंस डेबिट, कैरेज आउट डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन आउट डेबिट, फ्रेट आउट डेबिट, या कैरेज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री बन गई। किसी को समझ नहीं आई तो पूछे, कोई सवाल है वरना मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। कोई सवाल है? जी सर, कैरेज आउट और कैरेज इन दोनों हमारे एक्सपेंस होता है ना? दोनों एक्सपेंस होते हैं, दोनों एक्सपेंस होते हैं। बीकॉम पार्ट टू में आपको ये बताएंगे हम कि कैरेज इन जो होता है वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है, और कैरेज आउट जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है। बीकॉम पार्ट वन में भी आप ये बात याद रख सकती हैं, अच्छा होगा। कैरेज इन हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है, और कैरेज आउट जो है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस होता है। और कोई सवाल? नहीं सर, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल किसी बच्चे के पास? ओके जी, मेरी तरफ से फियामानिल्ला। कल दोपहर में अगर कोई बना तो मैं आज रात को अपडेट कर दूंगा आपके ग्रुप्स पर कि भाई कल एक हमने क्लास रखी है दोपहर में, और अगर कल दोपहर में नहीं बन रही होगी एडजस्टमेंट तो फिर कल रात को, और अगर कल रात और दोपहर दोनों नहीं बन सकी तो फिर मैं पीर की रात को, आज ताक रात है, पीर की रात दोबारा ताक रात होगी, तो फिर मंगल को रख लूंगा, या कोई ऐसे मुनासिब टाइम जिस वक्त आप पढ़ सकें। सही है, जिस वक्त, क्योंकि अभी भी देखे ना कुछ लोग नहीं पढ़ते डेलिब्रेटली, इस वक्त नहीं आते, जैसे दिलारा मौजूद नहीं है, तैयबा मौजूद नहीं है, सही है, फातिमा मौजूद नहीं है, ठीक है, मंसूर भाई मौजूद नहीं है, नाइश मौजूद नहीं है, तो आप लोग भी शॉपिंग पे जा सकते हैं, जरूर नहीं है तो जाइए फिर एंजॉय करें। कल परसों जब मौका मिला मुलाकात हो। जी फरमाइए। सही, चैप्टर खत्म हो गया हमारा? नहीं नहीं अभी कहाँ खत्म हो गया, ये आप यूं समझ लो आप 5 ईयर के 95% सवाल कर सकती हो,
अब वो अजीब अजीब बेहुदा बेहुदा क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो कभी कभी 5-6 साल में एक बार आते हैं, अब वो करने हैं बस। यानी आप यूँ समझ लो, उर्दू में बोलूं मुहावरा समझ आता है? जी सर बोले, कोशिश करेंगे। आए निकल गई दुम्बा की है। अच्छा सर, कोशिश करते हैं समझने की। ओके ओके, फिर अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।